नमस्कार, आप देख रहे हैं दादास्तक 24। आज पूरा देश संविधान के निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती मना रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी जाति से आते थे जिसे हिंदू समाज में अछूत माना जाता था। बाबा साहेब को सामाजिक समानता के योगदान के लिए भी याद किया जाता है। इस अम्बेडकर जयंती को उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के श्री दाताराम मेमोरियल इंटर कॉलेज ललुआ नंगला असरासी में अध्यापकों और अन्य लोगों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। यहां उपस्थित लोगों से बात की हमारे संवाददाता रिंकू ने, देखें इस रिपोर्ट को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पहुंचा हूं श्री दाताराम मेमोरियल इंटर कॉलेज असरासी ललुआ नंगला बदायूं। आइए यहां के अध्यापक से बात करते हैं। सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार साथ, मैं इस विद्यालय का संस्थापक हूँ। और इस विद्यालय की स्थापना 2012 में हुई है और ये विद्यालय इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त है। इस वर्ष हमारे यहाँ पर कंप्यूटर, गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान इंटरमीडिएट की मान्यता हुई है। इनकी कक्षाएं भी इस वर्ष से शुरू हो गई। सर, जो अम्बेडकर जयंती है सर, ये आप इस स्कूल में कितने समय से मना रहे हैं? जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है तभी से निरंतर प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर जयंती ही नहीं, अपने विद्यालय में जो भी वर्ष में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जयंतियां होती हैं, सभी जयंतियां, सभी कार्यक्रम विधिवत रूप से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर हमारे यहाँ पर एक पूरे क्षेत्रीय यज्ञ का कार्यक्रम होता है हर वर्ष, मतलब जो है इसका अखबार वगैरह में भी छपता रहता है। तो आगे अभी इस कार्यक्रम के पश्चात ये जो बौद्ध जयंती, इसकी जो मई में मनाई जाएगी 18 मई को, उसके कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सर, आपका नाम? मुझे धीरे सहमत कहते हैं, मैं मिडौली मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। रिटायर हेडमास्टर, असरासी जूनियर स्कूल से रिटायर 2014 में हुआ। सर, जो समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान रहा है? इनका सबसे बड़ा योगदान एक ही रहा है कि सर एकता, इन्होंने कोई ऊंच नीच नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक चाहते हैं, ये इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। व्यवस्था बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आइए यहाँ के क्लास रूम भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं यहाँ पे इस विद्यालय में। यहाँ का जो फूल है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। देखिए, आइए और यहाँ बात करते हैं पेड़ की, तो यहाँ छाया भी बहुत काफी अच्छी है। तो यहाँ पे क्लासरूम है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस विद्यालय में स्वच्छ के नाम पे खूब बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ का क्लासरूम देखें कितना अच्छा है, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं हर क्लास में, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो इससे पता लग जाएगा कि ये दुर्घटना किसने की है।